तेज के प्रत्येक अंग की उत्पत्ति हुई। यह देखकर महिषासुर ने सताए हुए देवता प्रसन्न हो गए और बिना किनारे भगवान शंकर ने उन्हें अपने सुर से सुर भेज दिया। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी उन्हें अपने चक्र से यानी कि अपना एक चक्र भेज दिया। उसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र अस्त्रों से उनको निदान करके शस्त्र भेज दिया और इस प्रकार सभी देवता उनको अस्त्र शस्त्र देखकर उनकी प्रसन्नता करने लगे और उनका बड़ा सम्मान किया। तब उन्होंने बारंबार के उच्च स्वर में गर्जना की। उन्होंने भयंकर नाद से जो माँ भगवती ने गर्जना की उनकी आवाज सुनकर संपूर्ण आकाश गूंज उठा और देवी का जो वाहन था सिंह वह भी उच्च स्वर में गर्जना तरंग कर गया। आकाश उसके सामने लघु यानी कि छोटा प्रतीत दिखाई देने लगा। उसमें बड़े जोर से आवाज हुई थी जिससे विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने देवी से कहा कि हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनका ध्यान किया। उस समय सभी देवताओं के यानी कि सभी देवताओं के शोक ग्रस्त देखकर देवतेगण अपनी समस्त सेना को हाथों में हथियार लेकर वहां खड़े हो गए और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से होकर कहा, क्या कहा कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर संपूर्ण अस्त्रों से गिरकर सिंह नाद की और दौड़ा और उसने आगे जाकर देवी को देखा जो अपनी